हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक लेटर के बारे में जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है ऑलमोस्ट हर जगह पे, यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे, हर जगह आपको वो लेटर देखने को मिल रहा है। लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उठा रहे हैं, कमेंट में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो देखिए, मैं उस लेटर की बात कर रही हूँ इस वीडियो में आज आप लोगों से, जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजा गया है, जो एडिशनल सेक्रेटरी है उनके द्वारा भेजा गया है ये लेटर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को। ये इन रिलेशन टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 2024 है कि भाई जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 2024 लागू हो रहा है, हो चुका है, हमें इलेक्शन कमीशन वाले ये बता रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को कि हमें प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या रिक्रूटमेंट कर रहे हो अपने ऑफिसर्स का या किसी भी ऑफिसर का, बस आप उन्हें रिलीव या डिसलोकेट मत करो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनकी शिफ्टिंग मत करो, उन्हें रिलीव मत करो। अगर वो ऑफिसर इन्वॉल्व है इलेक्शन प्रोसीजर में, अगर वो इलेक्शन प्रोसीजर में इन्वॉल्व है, इलेक्शन के प्रोसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट है, उसको आप कहीं एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट मत करो, उन ऑफिसर को कहीं आप ट्रांसफर मत करो। उस लेटर में एक लाइन ऐड किया गया है कि भाई फर्दर द रिक्रूटमेंट एंड फ्रेश अपॉइंटमेंट शैल बी डेफर्ड टिल द इलेक्शन प्रोसेस। अब इस लाइन को लेके कि भाई फ्रेश अपॉइंटमेंट्स डेफर करना है या फ्रेश अपॉइंटमेंट्स आप मत करो, या आप जो कि रिक्रूटमेंट मत करो जब तक इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, इस लाइन को लेके मेनली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, लोगों में एम्बिग्विटी है। तो इस चीज को मैं पॉइंट आउट करके आप लोगों के सामने लाना चाहती हूं कि पहले तो ये उस ऑफिसर या उन स्पेसिफिक ऑफिसर्स को लेके बात की जा रही थी इस लेटर में, पहले तो ऊपर के हिस्से में उन ऑफिसर्स के बारे में बात की जा रही है जो कि इन्वॉल्व है इलेक्शन प्रोसेस में। एक तो ये चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन ने ये लेटर भेजा तो है पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को भेजा है। अब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर जो स्पेसिफिक ऑफिसर्स है ये उनकी बात हो रही है, या एसएससी के थ्रू जो लोग रिक्रूट होते हैं, या डेप्यूटेशन बेसिस पे जो लोग रिक्रूट होते हैं, यहां पे स्पेसिफिक किनके रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है कि आप फ्रेश रिक्रूटमेंट उनके लिए मत करो, ये स्पेसिफिक यहां पे नहीं मेंशनड है और ये क्लियर नहीं है। लेकिन मैं एक और चीज हाईलाइट कर दूं यहां पे कि भाई ये बात हो रही है इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, मतलब जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं इलेक्शन से रिलेटेड, जो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इलेक्शन प्रोसीजर में इन्वॉल्व है, उन ऑफिसर्स को लेके ये बात की जा रही है कि आप रिक्रूटमेंट कर लो, अपॉइंटमेंट कर लो, ट्रांसफर या फिर आप प्रमोशन कर दो, उनका हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उनका आप रिलीविंग और डिसलोकेशन मत करो। और हो सकता है कि ये उन्हीं ऑफिसर्स के बारे में बात की जा रही हो उसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को लेके कि आप फ्रेश रिक्रूटमेंट मत करो, जो कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इलेक्शन से, जो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 2024 को भी मेंशन कर रहा है ना। तो यहां पे मैं ये क्लियर कर दूं कि ईएमआरएस कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है इलेक्शन को लेके, इलेक्शन के किसी प्रोसीजर में या कहीं पे भी इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में। इसीलिए ईएमआरएस के अपॉइंटमेंट को डेफर करने की बात या फिर फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं करने की बात ईएमआरएस के अंदर नहीं हो रही है। इसलिए जिनकी भी ज्वाइनिंग है ईएमआरएस के अंडर, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनको ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि ईएमआरएस के रिक्रूटमेंट्स को, ईएमआरएस की ज्वाइनिंग को रोक दिया जाएगा। यहाँ पे कहीं से भी ऐसा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि किस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, पहले तो हमें वो पता नहीं है। दूसरी बात है इलेक्शन कमीशन ने लेटर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को भेजा है। तीसरी है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है, मतलब पूरी तरह से इलेक्शन की बात हो रही है। और चौथी बात यह है कि उस डिपार्टमेंट के लिए यह कहा जा रहा है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है तो भाई उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर और प्रमोशन कर लो अपने ऑफिसर्स का, सिर्फ उनको डिसलोकेट या रिलीव मत करो, जो कि
उन ऑफिसर्स को स्पेसिफिकली, वो भी डिसलोकेट या रिलीव मत करो जो इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो मतलब कहीं ना कहीं उन डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, उन ऑफिसर्स की बात हो रही है जो कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रोसीजर में शामिल है। अब ईएमआरएस क्योंकि इलेक्शन प्रोसीजर में शामिल ही नहीं है, इसलिए कहीं से भी ईएमआरएस की बात नहीं हो रही है। ईएमआरएस के ज्वाइनिंग पे इससे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, अगर आप लोगों का क्वेश्चन ये है तो मैं क्लियर कर दूं कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस लेटर के थ्रू, क्योंकि यहां पे फ्रेश अपॉइंटमेंट या इलेक्शन जिसको कि डेफर करने की बात की जा रही है, जिसको कि रोकने की बात की जा रही है, जब तक कि इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, वो ऐसे रिक्रूटमेंट की या ऐसे फ्रेश अपॉइंटमेंट की बात की जा रही होगी उस स्पेसिफिक ऑफिस या डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कि इलेक्शन प्रोसेस में होगा। और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस में ईएमआरएस कहीं से भी नहीं है, इसलिए ईएमआरएस की बात यहां नहीं हो रही है। आप लोग निश्चिंत रह सकते हो, ईएमआरएस की ज्वाइनिंग पे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।